अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहानास फीस्ट। आज मैं आप लोगों से पोंगल स्पेशल या संक्रांति स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है मीठा पोंगल या स्वीट पोंगल। बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है इस यम्मी और टेस्टी रेसिपी को। चले शुरू करते हैं। और सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप चावल। आप किसी भी वैरायटी के चावल यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी में तो कच्चा चावल ही यूज़ किया जाता है। और यह है आधा कप मूंग दाल, मैंने ऐसे ही ले लिया बिना भुने। आप चाहो तो हल्का सा भून सकते हो। इसको अच्छे से वॉश कर लें और एक प्रेशर कुकर में डाल दें। इसी के साथ डालें 3.5 कप पानी और 1 कप दूध और 2 चुटकी नमक भी ऐड कर दें। नमक ऐड करने से पोंगल का टेस्ट और फ्लेवर एनहांस होता है। अब इसका लिड लगाकर स्टोव पर रख दें मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 विजल आने तक। जब तक ये कुक होता है, हम गुड़ का सिरप रेडी कर लेंगे। एक सॉस पैन में मैंने लिया है 2 कप गुड़। जिस कप से हमने चावल मेजर किया था उसी कप से गुड़ भी मेजर करना है। और 1 कप पानी ऐड कर लें उसमें। इसको आप स्टोव पे मीडियम फ्लेम पे रख दें और अच्छे से स्टिर करें। ये देखिए, गुड़ अच्छे से घुल चुका है। अब एक बॉईल आने के बाद गैस को ऑफ कर दें। ज़्यादा देर पकाना नहीं है, वरना ये चाशनी बन जाएगी। ये देखिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब एक पैन में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घी। घी को हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू और किशमिश। 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच किशमिश मैंने डाला है। आप चाहो तो कोकोनट के छोटे छोटे पीसेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर ले गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको साइड में रख देंगे। चले अब देखते हैं पोंगल को। ये देखें, गैस रिलीज होने के बाद लिड ओपन कर लें। देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। इसको अच्छे से मैश कर ले ऐसे ही चम्मच की मदद से। आप चाहो तो मैशर से भी कर सकते हो। ये देखिए, अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। अब इसमें गुड़ के सिरप को फिल्टर करते हुए ऐड कर दें। एक बार अच्छे से मिक्स कर ले पोंगल और गुड़ के सिरप को, मैश करते हुए मिक्स कर ले। अगर आपके पोंगल का कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतला है तो आप 5 मिनट के लिए कुक कर सकते हो। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बना है हमारा स्वीट पोंगल। अब एट लास्ट इसमें हम फ्राई किए हुए नट्स को ऐड करते हैं। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर दें और अब अच्छे से मिक्स कर लें। तो बस हमारा स्वीट पोंगल बनकर तैयार है। है ना, इसको बनाना बहुत ही आसान। तो चले अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने झटपट से बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करते हैं। तो जी, ये देखिए, तमिलनाडु फेमस स्वीट पोंगल या मीठा पोंगल बनकर तैयार है। आप भी इस पोंगल को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत ही इजी से बनने वाला। इस पोंगल को आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।